हेलो गाइस गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल तरीके से कैसे आप मेकअप कर सकते हैं घर पे, और साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊंगी कैसे आप क्रॉप टॉप को एज ए ब्लाउज की तरह यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर मैंने पेटीकोट की जगह हैरम पैंट का यूज़ किया है, तो आपको मैं कंप्लीट एक लुक बताऊंगी कैसे इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर ये हैरम पैंट है, ये कैसी है और कहाँ पर आपको मिलेगी, तो इसका मैं कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था, तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। क्योंकि और मेरे पास ये सिल्क की साड़ी है, क्योंकि पहले की साड़ियाँ छोटी होती थी, तो मैंने इसके उसको जो यूज़ किया है तो वो मैंने लहंगे स्टाइल में थोड़ा यूज़ किया है। हैरम पैंट के साथ जो साड़ियाँ छोटी होती है उसको कैसे लहंगे स्टाइल में पहनना चाहिए, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जरूर चेक करिएगा। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो एक घर में रखे हुए नए पुराने सामान से मिक्स करके कैसे परफेक्ट करवा चौथ लुक क्रिएट करना है वो आपको मैं बताऊंगी। और चलिए आपको मैं मेकअप करना पहले बताती हूँ। यहाँ पर अपने फेस को वॉश करना है। फेस को वॉश करने के बाद यहाँ पर मैं नेवलॉन लोशन यूज़ करूँगी। नेवलॉन लोशन काफ़ी अच्छा है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, इसलिए आपको लगता है बहुत तेज़ तेज़ हाथों से मेकअप हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से मेकअप करना है आपको। तो उसके बाद फेस को जब अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद गाइस, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, मैं लगाऊंगी ओरिफ्लेम का प्राइमर। ये प्राइमर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पोर्स एंड लाइंस का है। पोर्स आपके स्किन पे जितने भी पोर्स होते हैं उसको ही फिल करता है। अगर आपके स्किन पे फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो वो उसको भी फिल करता है, और काफ़ी अच्छा ये प्राइमर है। तो इसके बाद प्राइमर लगाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 मिनट सेट कर रुकना है, क्योंकि प्राइमर अच्छे से जब सेट हो जाए उसके बाद आपको मैबलिन फिटमी का फाउंडेशन लगाना है। फाउंडेशन यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका 01 नंबर है। ये आपके अलग अलग बहुत सारे कलर आते हैं, आपके अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन लगाने के लिए कोई ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल मेकअप करना बता रही हूँ, तो क्यों आपको कोई ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो अपने हाथों से ही इसको अच्छे से लगाना है। अब ये देख सकते हैं कि दबाते हुए अपने हाथों से ऐसे ऐसे करते हुए आपको लगा लेना है, ये सेट हो जाएगा। क्योंकि मेकअप आप जब कुछ करते हैं तो उसके बाद मेकअप 15 से 20 मिनट लेता है अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, सेट होने के लिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से आपको फाउंडेशन को लगा लेना है। फाउंडेशन लगाने के बाद गाइज आप अपने ईयर्स पे भी लगाइएगा, और नेक एरिया को भी नहीं भूलना है, क्योंकि जितनी स्किन आपकी दिखती है तो वहाँ पर तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ईयर्स पे लोग भूल जाते हैं, बट आपको अच्छे से सब जगह लगा लेना है। लगाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइज मैं अभी, अगर आपके स्किन पे कोई डार्क स्पॉट है या आपके अंडर आई भी अगर डार्क है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो आप मैबलिन का ये जो एज रिवाइंड कंसीलर है, ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, तो इससे आपको इसको यूज़ करना है। और इसमें आगे ब्रश भी दिया जाता है, तो इस ये काफ़ी अच्छा होता है, इसको यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। तो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है उसको आपको कंसीलर लगाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं मैबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट आपको हल्के हल्के हाथों से लगाना है। लगाने के बाद अपने स्किन पर अच्छे से लगा कर नेक एरिया पर और ईयर्स पर अच्छे से लगा लेना है। लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ये स्मूथ एकदम फिनिश देता है, और आपकी स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बनाता है। क्योंकि आप जब पूरा मेकअप करते हैं तो बाद में इसका लुक बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पैक्ट यूज़ किए, बट मुझे फिटमी का काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट लगता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मेरे पास एक लिपस्टिक रखी हुई थी, उसको मैं एज ए आई शैडो की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि सिंपल मेकअप घर पर कैसे मेकअप करना है ये मैं बता रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सबके पास आई शैडो या लाइनर हो, वैसे नॉर्मल होता है बट किसी किसी के पास नहीं होता है, तो इसको मैं एज ए आई शैडो यूज़ करूँगी हल्का सा बस कलर के लिए। तो इसको यूज़ करने के लगाने के बाद गाइस आप हल्के हल्के हाथों से लगाइए, बहुत ज़्यादा इकट्ठा प्रोडक्ट एक जगह नहीं लगाना है। यहाँ इसको अच्छे से लगाने के बाद गाइस यहाँ पर मैं एलेटिन का काजल यूज़ करूँगी। काजल को मैं एज ए लाइनर भी यूज़ करूँगी। लाइनर लगाने के बाद फिर मैं इसी से आप अपने आईज पे काजल भी लगा लूँगी, तो इससे काजल काफ़ी अच्छा लग जाता है। अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता है तो जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो लाइनर लगाना आ जाएगा, बट इससे तो बहुत आराम से लग भी जाता है काजल से। ये एलेटिन का काफ़ी अच्छा है ये, तो इससे मैं लाइनर इस तरह लगा लूँगी जैसे एक आईज में लग गया है। उसके बाद आप मैं ये दोनों आईज में लगा लूँगी, उसके बाद इसी से मैं काजल लगाऊँगी। और आप ये देख सकते हैं काजल आप अपने हिसाब से मोटा पतला लगा सकते हैं। लगाने के बाद गाइज यहाँ पर मैं एक ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा स्मच करूँगी, ताकि हल्का हल्का सा कि नेचुरल लुक लगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है इस तरह करना, तो मैं इसलिए जो एक्स्ट्रा काजल होता है मैं निकाल भी लेती हूँ और स्मच भी कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो फिल करने के लिए आप कोई सा भी आईब्रो पेंसिल जो है आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। तो हल्का है, क्योंकि आईब्रो फिल करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आर्टिफिशियल लुक देता है। तो आपको हल्के हाथों से इसको करना है। पीछे इसके स्कूली दिया जाता है ब्रश,
तो इसकी वजह से आप इसको कॉम भी कर सकते हैं ताकि परफेक्ट लुक आपका आ सके। यहाँ ये दोनों आईज पे मैं लगा ली हूँ। उसके बाद गाइस क्या करना है, यहाँ पे मैंने मस्कारा यूज़ किया है। मस्कारा की एक कोटिंग करने के बाद जब ये सूख जाए तो उसके दोबारा कोटिंग करना है। इससे करने से क्या होता है कि आपकी जो आईज होती है वो आईलैसेस काफ़ी घनी दिखती है, जिससे आपकी आईज भी बड़ी दिखती है। तो मस्कारा भी अब इस तरह लगा लीजिए। गाइस मस्कारा लगाने के बाद यहाँ पर मैं ओरिफ्लेम का ब्लशर यूज़ करूँगी। ओरिफ्लेम में जब ऑफर आता है तो आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा ओरिफ्लेम का भी प्रोडक्ट होता है। तो मैं सारा नहीं लेकिन दो तीन चीज़ें मुझे अच्छी लगती तो मैं इसको ही लेकर रखी हुई हूँ। तो ये ब्लशर लगाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक लिप लाइनर लेना है, लिप पेंसिल। लिप पेंसिल से पहले आप अपने लिप्स पे एक ड्रॉ करिए, आउटलाइन करिए। आउटलाइन करने के बाद इसी लिप पेंसिल से, लिप कलर से आपको इसको फिल भी करना है। फिल कर लीजिए इस तरह। उसके बाद जब ये आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपको जो लिप कलर आपको लगाना है वो इसी के ऊपर आप लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक काफ़ी टाइम तक स्टे रहेगी और जल्दी फैलती भी नहीं है और एक अच्छा लुक भी आता है लिपस्टिक पे। आपकी लिपस्टिक काफ़ी देर तक टिकी रहती है। तो इस तरह से मैंने इसी के ऊपर लिपस्टिक लगा लिया है। इससे आपकी लिपस्टिक देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत परफेक्ट लुक आता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है ये है, और हाइलाइटर जब आप लगाते हैं तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा चमक आती है और करवा चौथ तक चांद जैसा निखार पाने के लिए। यहाँ पर मैंने पतले ब्रश का इस्तेमाल किया है, बट अगर आपको इससे नहीं लगाना है तो मैं दूसरे ब्रश से भी आपको लगाकर बताती हूँ। जिससे आपने ब्लशर लगाया था उसको इस तरह से दबाते हुए फ़ैन ब्रश की तरह बना लेना। अगर आपके पास फ़ैन ब्रश है तो उससे भी आप लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर लगाने के बाद स्किन पे कितना ज़्यादा निखार आ गया, क्योंकि करवा चौथ है, निखार तो आपके चेहरे पे आना ही चाहिए। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट, आपका लुक इस तरह तैयार हो गया है। उसके बाद लास्ट में मैं यूज़ करूँगी मेकअप फिक्सर। ये भी मैंने वेट एंड वाइल्ड का ही लिया है। उसके बाद गाइस ये पतले जो ब्रश से आप अपने ब्रो बोन पे भी लगा लीजिए। उसके बाद लास्ट में मेकअप फिक्सर लगाना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर भी मैंने सेम वेट एंड वाइल्ड का लिया है, तो इसको आप अपने स्किन पे लगा लीजिए। दूर से ही लगाना है और स्प्रे करिए। करने के बाद इसको 30 सेकंड ऐसे छोड़ दीजिए। जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एकदम नेचुरल लुक आपको देगा। गाइस मेकअप करने पर आप ये देख सकती हैं, मैंने वो क्रॉप टॉप के साथ साड़ी से मैच करके, मिक्स एंड मैच करके फैशन क्रिएट किया है। और गाइस मेकअप करने के बाद क्या होता है, जब आप किसी का फेस बहुत पास से देखें, किसी का जब लाउड मेकअप होता है आप उसका फेस जब पास से देखते हो तो बहुत ज़्यादा मेकअप लगता है, बट ये मेकअप से आपका ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर पास से भी कोई खड़ा है तो बहुत ज़्यादा मेकअप आपकी स्किन पे नहीं पता चलेगा, एकदम नेचुरल लुक देगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।